खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी आ गए हैं, खतरों के खिलाड़ी। It is such a beautiful feeling as well. I mean, wow. किसी की सांस अटकी। खतरों के खिलाड़ी। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी स्टंट था जो मैंने बिना डरे या लोगों को परेशान करे बिना किया होगा। तो किसी की हो गई बत्ती गुल। खतरों के खिलाड़ी। कभी सांप के साथ, कभी कॉकरोचेस, कभी ऊंचाई से, कभी आग में, कभी पानी में, मतलब जिंदगी भर में जितने अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस होने चाहिए वो सब साथ में ही हो गए। Well, अपने एक्साइटिंग एक्सपीरियंस शेयर करते ये है खतरों के खिलाड़ी सीजन 6 के कंटेस्टेंट्स, जो कि इस शो के स्टंट्स परफॉर्म करके केप टाउन से लौट आए हैं। रश में गो। और हाल ही में इस शो की एक प्रेस मीट में ये सारे कंटेस्टेंट्स रूबरू हुए मीडिया से, और यहाँ शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने इन कंटेस्टेंट्स की खासियत बताते हुए सबकी खूब टांग खिंचाई की। हमने कुछ क्या ऑलिव लीव्स का एक्सट्रैक्ट है कुछ ऐसा बनाया था इतना सा ग्लास में, और रश्मि को बोला कि ये आपको पीना है, तो स्ट्रेट अवे रश्मि बोली नहीं सर ये मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं खाती भी बहुत कम हूँ, मैं पानी भी आधा ग्लास पीती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। बोला ठीक है भाई मत करो। उसके बाद पूरे 40 दिन के सीजन में ये मुझे जब भी मिली या तो मुंह में फाफड़ा था, या तो ढोकला था, या तो चिप्स था, और नंदिश को मार लग गई देख रही है। मतलब हम लोगों को कार्गो का एक एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा इनके ठेपले और खाकरे के लिए। सना मतलब मुझे जब मैं गया कि हाँ मैं स्टंट करवाऊंगा लोगों से, सबसे बड़ा स्टंट मेरे लिए था कि सना से स्टंट करवाना है। डेली सुबह मैं नर्वस रहता था कि आज ये इतना 2 घंटा 3 घंटा 1 महीना लगा है हमें स्टंट डिजाइन करने में, ये करेगी कि नहीं करेगी। स्टंट एक्चुअली था जैसे मैंने कहा कि 18 माले की बिल्डिंग थी, ये कोई और स्टंट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा धूम में हाउ आमिर खान ही कम्स डाउन ना बिल्डिंग पे, प्रोमो में शॉट भी है चैन का। तो ये है कि जब नीचे आ रहे हैं तो फ्लैग्स इकट्ठा करते हुए आना है, फ्लैग्स है उनको खींचना है और नीचे आना है, फिर ऊपर जाएगा केबल और फिर आपको नीचे लाएगा, तो फ्लैग्स लाना है। सबसे पहले हमने सना को भेजा, सना नीचे उतरते खाली मुझे देख के चिल्ला रही सर 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 सर, फिर ऊपर ले गए कि चलो नीचे आएगी तो कुछ करेगी, तो फिर सर 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 सर, स्टंट खत्म, हम सब देखते रह गए। सागरिका जब आप शो देखेंगे तो फर्स्ट एपिसोड में आपको सागरिका ऐसे नजर आएगी, सेकेंड एपिसोड में ऐसे नजर आएगी, थर्ड में ऐसे, फोर्थ में ऐसे कुछ हो जाती है, फिफ्थ में ऐसे कुछ हो जाती है, और एंड तक तो ऐसा पोस्चर हो गया था कि मैं भी नहीं वो कर सकता हूँ, इतने टिश्यू फट गए बोल रही है। चैंग ने जितने भी स्टंट्स है बहुत कमाल किए, सिर्फ आशीष को एक सवाल था, और हमेशा आशीष वो सरप्राइज के ये स्टंट कैसे कर रहा है, मुझे कई बार पूछा क्यों आंखें वो मैं पता ही चला स्टंट देखता कैसे था। तो इसके लिए गाना था हमारा आंखें खुली हो या हो बंद दीदार इनका होता है। कंटेस्टेंट्स के साथ साथ रोहित ने यहाँ आए एक प्रेस रिपोर्टर को भी नहीं बख्शा। तू इसको मैंने एक बार धमकी दी थी कॉलर पकड़ के 9वें माले से फेंक दूंगा, ये बहुत मस्ती करता था छोटा था, अभी थोड़ा बड़ा हो गया, ये एक ही जर्नलिस्ट है जो चाइल्ड आर्टिस्ट भी है, ये बचपन से जर्नलिस्ट बना होगा, जैसे चाइल्ड एक्टर होता है ना वैसे ये चाइल्ड जर्नलिस्ट है। देख मैं तुझे अंधेरे में भी पहचान गया, फॉर हिम आई एम डेविल योर आई, नहीं तू सही बोल रहा है नहीं, रोहित शेट्टी बचपन के कुछ खौफ होते जो जाते नहीं, मैंने उसको तो तेरे लिए मैं डेविल करेक्ट टू बेटा, याद है कहाँ पकड़ा था देखो मैंने, हाँ छोटू सा था बहुत मस्ती करता था सबके साथ, ऐसे जर्नलिस्ट थे। लेकिन ये कंटेस्टेंट्स भी खतरों के खिलाड़ी हैं, तो कैसे हार मान जाते रोहित से, तो इन्होंने भी रोहित की मिमिक्री करके सबको खूब हंसाया। सर आते हैं, वेलकम एवरीबॉडी टू डर का ब्लॉकबस्टर रिटर्न्स, और इस वक्त हम है फलाना फलाना जगह पर, और ये एक पार्टनर स्टंट है, वहां देख रहे वहां पर है एक जेटी, और उस जेटी में 2 खिलाड़ियों को वहां पर पहुंचा दिया जाएगा, एक खिलाड़ी के हाथ को बांध दिया जाएगा और दूसरा खिलाड़ी बोट के अंदर होगा, दूसरा खिलाड़ी एक हाथ से रो करेगा और दूसरे हाथ से चमाट मारेगा, रो करेगा दूसरे खिलाड़ी को चमाट मारेगा, रो करेगा चमाट मारेगा, चमाट मारते मारते जैसा ही आपका अगला खिलाड़ी बेहोश हो जाता है,
टाइम आउट इट्स अ टाइम बेस्ड स्टंट और क्योंकि आप एक हाथ से रो कर रहे हो और दूसरे हाथ से मार रहे हो स्टंट का नाम है रो इट की मजाक मस्ती और बॉन्डिंग देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शो भी होने वाला है काफी एंटरटेनिंग। बेहतर एक्शन है, बेहतर कॉमेडी है, बेहतर ड्रामा है। इतना कहूंगा कि पिछले सीजन से ये सीजन बहुत ज्यादा बेहतर है और वो है इन 14 लोगों की वजह से। खतरों के खिलाड़ी। वे शो की ऑडियंस को भी इस शो के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार होगा। ना किसी को शिकार बनाऊंगा, ना पानी में डुबाऊंगा, क्योंकि इस बार मेरे दिमाग में डराने के अलग अलग तरीके हैं। बिजली की तरह दौड़ रहा हूं।